हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलिम किचन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। सो यहाँ हम लेंगे दो स्मॉल रफली चॉप्ड कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, वन लार्ज साइज टोमेटो, वन लार्ज अनियन, दोनों को मैंने रफली चॉप कर दिया है, 7 से 8 बीन्स उसको भी मैंने बारीक काट दिया है, 1/4 कप कोरिएंडर लीव्स यानी हरा धनिया एंड 2 चिली जिनको दोनों को मैंने बारीक कट कर दिया है, 4 ब्रेड स्लाइसेस मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड यूज़ करी है, आप चाहे तो नॉर्मल वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कप दही और 1 कप सूजी और थोड़ा सा पानी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए बैटर की, नमक स्वाद अनुसार एंड घी और ऑयल ब्रेड को सेकने के लिए। अब एक बोल लेंगे, उसमें बारी बारी से सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर देंगे। बेसिकली इस रेसिपी में कोई भी इंग्रेडिएंट्स का नाप यानी मेजरमेंट फिक्स नहीं होता, टोटली आप पे डिपेंड करता है और आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। मैं बट सूजी और दही को इक्वल अमाउंट में यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स ज़्यादा ही यूज़ करता हूँ जिससे कि रेसिपी हेल्दी बने। देन इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यानी सॉल्ट ऐड कर दीजिए। देन हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कर देंगे मिक्स। बैटर यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। अब बैटर को हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो आप इसे इंस्टेंटली भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर द बेस्ट टेस्ट आपको इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। 10 से 15 मिनट के बाद बैटर को मैं दोबारा अच्छे से मिक्स कर दूंगा और अपनी ब्रेड में इसको अच्छे से लगा दूंगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस टाइप से आपको कॉर्नर कवर करते हुए इसको लगाना है। जैसे ही आप इसको लगा देंगे, सो नाउ लेट्स टर्न ऑन द फ्लेम एंड गैस में मैंने तवा चढ़ा दिया है। जैसे ही तवा गर्म हो जाए उसमें मैं ऑयल या बटर डालूंगा और उससे उसको ग्रीस कर दूंगा तवे को अच्छे से। हमें हमारी ब्रेड को इसी तरीके से तवे में डालना है। ब्रेड को तवे में डालते ही गैस को हमें सिम पे कर देना है। ब्रेड के ऊपर वाले साइड पे भी हमें ऑयल ग्रीस कर देना है एंड इसे 2 मिनट हमें ढक के पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम में। 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारी ब्रेड रेडी हुई कि नहीं। देन हम इसे पलटेंगे, इसे टर्न करेंगे और लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट ढक के पकाएंगे। ब्रेड को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है एंड जैसे ही ब्रेड गोल्डन ब्राउन हो जाए हमारा टोस्ट रेडी है। हम अपने टोस्ट को सर्व करेंगे ग्रीन और रेड चटनी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।